उसके बाद गेम पलट गई। क्या कहेंगी, उम्मीद आई थी कि आज पाकिस्तान हार जाएगा, कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने उम्मीद दिलाई कि हाँ हम लोग खेल सकते हैं, यही काम करना है। तो यार मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बंद कर दो, इससे अच्छा ये लोगों को चाहिए टेबल खेलनी शुरू। क्या हम फिर हार गए, क्या कहेंगे सर? हमारा तो माइंड सेट हो गया कि पाकिस्तान हारेगा। देखे ना आज ऑस्ट्रेलिया और दिखा दिया था कि ये हमने परफॉर्म करना है, तो वही हुआ है, बस यही है थोड़ा सा अपने आप। जब पाकिस्तान ऐसे हारता है ना तो दिल को कुछ कुछ होता है, समझ लें कैसे लगता है कि दिल फट जाने। रोहित शर्मा एज अ ग्रेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड और एक बेस्ट परफॉर्मर कैप्टन, लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं बाबर आजम को, और तनकीद जिस पे होती है फिर वो देखिए कैसी बोली। ठीक है, ये ऐसे लग रहे थे कि जैसे कोई गली में लेके बॉलर नहीं होते, ठीक है, जो कि हम कहते थे यार सेंचुरी करे, क्या सको यार वो क्यों नहीं सेंचुरी कर रहे, क्यों नहीं परफॉर्म दे रहे, क्या वजह लगती है? एज अ अफगानिस्तान की टीम मेरी नज़र में वो पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी है। अगर रिजवान इसमें हो, रिजवान भाई, तो वो ज़्यादा अच्छा मेरे ख्याल से कर सकते हैं। आज भी बताइए ना, वैसे मैं इंडिया को सपोर्ट करती हूँ लेकिन पाकिस्तान अपना मुल्क है तो इसे भी सपोर्ट करना। मैं इस लेवल का उसको समझते ही नहीं हूँ। लोग क्यों समझते हैं, लोग कहते हैं फील्डिंग में नंबर वन में था, हमारे पास शादाब के अलावा नंबर वन फील्डर कोई कप्तान है, ये सारी उनकी कप्तान ने तो कोई परफॉर्म नहीं किया कप्तान, मैं उसको कप्तानी का। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, आज पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच है, आपने जो सिचुएशन स्टार्टिंग में हुई था आपको क्या लगता था पाकिस्तान जीतेगा? जो स्टार्टिंग में हुई यार, जब उनका कोई आउट नहीं हो रहा था तो लग गया था पता कि पाकिस्तान ने हारना, और ये स्थान हार चुका है। आपको जब वो स्टार्ट में आपको ये लगा कि पाकिस्तान जीतेगा तो एकदम ही जब बाबर आजम आउट हुए, मामूल हक आउट हुए, उसके बाद जो कि सऊद शकील आउट हुए और सॉरी अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, तो उसके बाद गेम पलट गई। क्या कहेंगी, तो उम्मीद आई थी कि आज पाकिस्तान हार जाएगा, कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने उम्मीद दिलाई कि हाँ हम लोग खेल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद पता सबको पहले से ही था क्योंकि ये लोग होते हैं बारिश की उम्मीद पे या दुआओं की उम्मीद पे। अच्छा। और ये पाकिस्तानी आवाम को दिल तोड़ने पर हमेशा से ये तुले हुए हैं, और ये आज भी वही उन्होंने ये काम किया और हार गए हैं, तो बहुत डिसहार्ट भी हूँ क्योंकि पाकिस्तान यार अपना वतन है लेकिन ये लोग ये काम करते हैं और हार के आ जाते हैं। बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहे, 18 स्कोर आज भी 13 बालों में, क्या वजह है? अजय कैप्टन होके कोई परफॉर्म नहीं हमें नज़र आ रही थी। हमारे जो कैप्टन है ना, ये लोग प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते, जबकि इनके मुकाबले अगर हम लोग इंडिया को देखें तो वो लोग उनके जो बॉलर्स हैं बैट्समैन हैं वो लोग प्रेशर में भी इतना अच्छा खेलते हैं कि ना वो लोग जीत के दिखाते हैं, पाकिस्तान ऐसा कुछ भी नहीं। बॉलिंग देखी थी आपने आज पाकिस्तान की, कैसी लगी बॉलिंग? इतनी को खास नहीं लगी मुझे। आप मुझे लगता है वो काफ़ी गुस्से में है और आपका मूड थोड़ा ऑफ हुआ है, क्या वजह से? ये ऑफ तो होता ही ना, वैसे मैं इंडिया को सपोर्ट करती हूँ लेकिन पाकिस्तान अपना मुल्क है तो इसे भी सपोर्ट करना, दिल से मैं इसी के साथ होती हूँ। अच्छा। ऊपर से इंडिया के साथ होती हूँ लेकिन जब पाकिस्तान ऐसे हारता है ना तो दिल को कुछ कुछ होता है, समझ लें कैसे लगता है कि दिल फट जाने। मुझे लगता है हारे हैं। अच्छा, ख्वाब में थे? सर मैं तो अभी उठ के आया हूँ, देख ले मेरी शक्ल देख ले, मैं तो अभी उठ के आया हूँ। छट्टा मार के आए हो? छट्टा नहीं मार के आया सर अभी। ये बात है ना, छट्टा नहीं मार के आए तो पानी पुनी पिए के आज मैच हमारे हैं, क्या कहेंगे सर? पहली बात तो ये कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जैसे आज खेला है, पहली बात तो जो खेलेगा उसकी हम तारीफ करेंगे, बेशक हम यूट्यूबर हैं बेशक हम पाकिस्तानी, हम पहले हाथ ही उनकी तारीफ करेंगे, या जो खेलेगा जैसे इंडिया खेल रहा था हम उनकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन जैसे आज ऑस्ट्रेलिया के आगे टॉप ऑर्डर ने आगे जो पार्टनरशिप अचीव की है, जो खेली है, जिस रन से उन्होंने, डेविड वार्नर ने भी 163 रन बनाए, अतः कि हमारे उसामा मेज जिनको हम क्या क्या था कि इसको टीम में लेके आए, आज उन्होंने ही क्या छोड़ दिया, तो क्या हम आगे भी इनकी फील्डिंग के लिहाज से हम इनको ट्रोल नहीं कर सकेंगे यार कि इनको दोबारा ना लाया जाए? इन्होंने बॉलिंग भी तो नहीं ना 82 स्कोर भी खा लिया है, वही तो बात है ना कि मसलन कि हमने इतना मसलन कि लगाया टोपी ड्रामा स्टार्ट किया कि इनको लाया जाए, सीधी बात है, तो लेकिन जब आए हमें कुछ दिखा ही नहीं, अब हम फिर कहेंगे यार इससे बेहतर तो शादाब ही था, चलो चिके चौके खा रहा था लेकिन फील्डिंग में नंबर वन में था, हमारे पास शादाब के अलावा नंबर वन फील्डर कोई भी नहीं इस टाइम पाकिस्तान की टीम में, 11वें स्क्वाड में भी आप देख लें, 15वें स्क्वाड में भी देख लें, तो जैसे ऑस्ट्रेलिया ने आज खेला है, डेविड वार्नर चले, मार्श चले हैं, उसके बाद नोट। ये तो रही ऑस्ट्रेलिया की बात जी, हम आप आते हैं थोड़ा पाकिस्तान पे, मुझे ये बताएं आपकी आज हमने बाबर पे जो कि हम कहते थे यार सेंचुरी करे, क्या सको यार वो क्यों नहीं सेंचुरी कर रहे, क्यों नहीं परफॉर्म दे रहे, क्या वजह लगती है? सर असल में ना उनकी दो तीन सी वजह मुझे दिख रही हैं, एक तो उनकी शादी है वर्ल्ड कप के बाद, तो कुछ हो सकता है कि मैं ये गोली गोली खाई हो। गोली क्यों खाएंगे सर, हकीमों के पास तो नहीं ना जाने वाले, वो स्पोर्ट्समैन है, ये तो हम यूट्यूबर हैं ना, हम जाएंगे वो नहीं जाएंगे।
चले ठीक है सर, आगे बढ़े, आप मेरी बिस्ती करें, आगे बढ़े तो बात कीजिए। शायद हो सकता है कि कहीं पे उनका जेन मसेंगे इस वक्त कहीं पे लगा हो, जो टीम में आके कोई अपनी पार्टनरशिप नहीं खेल रहे, वो कोई स्कोर नहीं अचीव कर रहे, शायद हो सकता है कोई मिसबिहेव या उनकी सोचों में कहीं गुम है। लेकिन बात की जाए जैसे वो मैनेज कर रहे हैं पूरी टीम को, आप ये भी आप कह रहे हैं ना कि शहनशाह अफरीदी ने आज 5 विकेटें ली हैं, ठीक है, अपनी बॉलिंग लाइनअप की भी बात करें, अगर हो सकता है कि कहीं पर उनसे कोई प्रेशर चल रहा हो या कोई पीछे से कोई बात ऐसी हो रही हो जो उसको समझ नहीं आ रहा है, जिस वजह से वो परफॉर्मेंस ना दे रहे हो, क्योंकि वर्ल्ड क्लास नंबर 1 बैट्समैन है। अच्छा चले, फाइनली लास्ट में आप मुझे बताएं क्या कहेंगे सर, आज हमने परफॉर्म नहीं किया, हम फिर हार के क्या कहेंगे? सर हमारा तो माइंड सेट हो गया कि पाकिस्तान हारेगा। देखे ना, आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच था, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ कि मैंने मैच सही तरह नहीं देखा, बस जो दोस्तों यारों ने बताया मैंने ऑनलाइन देखा, बस वो देखा, अदरवाइज जो हम घर में माहौल बना के एक मसेंगे लेज वगैरह आती है, पूरी फैमिली बैठती है लाइन वाइज, छोटे बड़े अब हारता तो लेज एक दूसरे बोतल एक दूसरे वो तो उससे पहले ही ख़त्म हो जाती है सर जी, जैसे उनकी ड्रिंक ब्रेक आती है ना उससे पहले हमारी, फिर ड्रिंक ब्रेक के लिए हम फिर बाहर से चीज़ें लाते हैं, वो नहीं ख़त्म होती वो हम के जब हारते हो तो फिर एक दूसरे को मारते हो बोतल, फिर हम सो जाते हैं। ओके सर बोझ। ओके सर, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक सर। आज पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच है, और क्या लगता है सर हमारी इतने अरसे से हमारी जो टीम है परफॉर्म नहीं कर पा रही, क्या वजह इसकी लगती है? देखिए जी, टीम में अगर जज्बा हो, अगर वो इस तरह से खेले अच्छी तरह से, तो क्यों नहीं हर टीम जीत सकती है। ऑस्ट्रेलिया कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना मतलब के बनाया है इस फील्ड में, अपने आप को मनवाया है, तो पाकिस्तान भी डेफिनेटली कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये है कि इनमें थोड़ा सा बस एक कैप्टनशिप में आ रहा है कि जैसे बाबर आजम जिस तरह परफॉर्म कर रहा है, तो वो मेरे ख्याल से अगर रिजवान इसमें हो, रिजवान भाई, तो वो ज़्यादा अच्छा मेरे ख्याल से कर सकते हैं। आज भी बाबर आजम ने परफॉर्म नहीं किया, हमने आज उम्मीदें लगाई थी, हम तो हर दफ़ा उम्मीदें लगाते कि हम बाबर आजम की सेंचुरी हो, हमारा ख्वाहिश है कि बाबर आजम सेंचुरी कर दो, हम देखें हम भी कहें यार सेंचुरी हो जाए। उन्होंने आज भी 18 रन किया 13 बॉलों में, क्या कहेंगे सर? हमारा दिल चाहता है खुद, मैं लिटरली मैं कहता हूँ खुद बाबर आजम सेंचुरी करे। मैं बिल्कुल डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं, बाबर आजम पे बड़ी उम्मीदें हैं आवाम की, ठीक है, तो उसको चाहिए कि आवाम की उम्मीदों पे पूरा उतरे और अपने आप को और ज़्यादा अच्छा करे इस क्रिकेट में। कैप्टन है आखिर वो, तो उसको चाहिए कि अच्छा खेला करे, और शुरू शुरू में बाबर आजम नो डाउट के बहुत अच्छा खेला है, और इसकी जो बैटिंग है उसकी बहुत लोगों ने एडमायर भी किया है, बहुत अच्छी बैटिंग है इसकी। विराट कोहली जो इंडिया का है उसके मुताबिक इसकी बैटिंग है, और अब नहीं है पहले आई थी विराट कोहली तो पहले है तो पहले तो मानते जब विराट को थोड़ा लूज हुए थे वो कैप्टन हुए थे, फिर बाबर आजम थोड़ा ऊपर आ गए तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, अब उल्टा हो गया। फिर देखें बात पता है क्या है, अगर विराट कोहली अभी भी अच्छा खेल रहा है ना तो बाबर आजम भी डेफिनेटली खेल सकता है, अगर वो थोड़ी कोशिश करे, एफर्ट करे, अपनी टीम को भी हैंडल अच्छा करे और अपनी भी बैटिंग को ज़्यादा फोकस करे तो डेफिनेटली हो सकता है, ये कोई इतना नहीं है। अभी नो डाउट के लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं बाबर आजम को, और तनकीद जिस भी होती है फिर वही बंदा मेरे ख्याल से निखरता है, ठीक है, तो तनकीद होगी इस तरह कहेंगे क्योंकि आवाम की उम्मीदें हैं बाबर आजम पे, तो डेफिनेटली बाबर आजम को ये देखना चाहिए कि मुझे अच्छा खेलना चाहिए, इतनी आवाम पसंद करती है मुझे। ऑस्ट्रेलिया से आज ऑस्ट्रेलिया से हम नहीं जीत पाए, हम पहला मैच बात करें एक बड़ी टीम होती है, हम पहले भी हम वार्म अप मैच पे भी ऑस्ट्रेलिया से हम नहीं जीत पाए, क्या वजह थी? वार्म अप मैच पे भी हमने दिखा दिया था कि ये हमने परफॉर्म करना है, तो वही हुआ है, बस यही है, थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करना पड़ेगा टीम को, कोई अच्छी मतलब के जो होता है प्लेयर्स अच्छे भेजें अच्छे तरीके से, मतलब कि जो प्लेयर्स वन डाउन है या ओपनर्स हैं उसकी सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जब देखें सिलेक्ट प्लानिंग होगी ना तो सब अच्छा होगा, जब प्लान ही नहीं है, कोई टीम का प्लान ही नहीं है, तो फिर इसी तरह से हम लोग तो मायूस ही होंगे जब उनका मैच देखेंगे। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। आज हम हार गए हैं, इस पर आप क्या कहें? मैं समझता हूँ अगर हम हार जाएंगे तो पाकिस्तान को मज़ीद और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो सबसे ज़्यादा आज हार तो गए हम, ये हमारी टीम के जो कप्तान हैं ये सारी उनकी तो कप्तान ने तो कोई परफॉर्म नहीं किया, कप्तान मैं उसको कप्तानी के लायक ही नहीं समझता, बाबर आजम को नहीं समझता, तो वो तो किंग बने हुए हैं बाबर, वो किंग है ना, वो बस हमारी नज़र में किंग है, तो देख के बताइएगा ये किसके, मैं इस लेवल का उसको समझते ही नहीं हूँ। लोग क्यों समझते हैं, लोग कहते हैं बाबर आजम किंग, बाबर आजम किंग, मेरी राय लें आप, मेरी राय, आप तो खेला भी हो आपने, तो अगर आप मेरी राय लें भाई तो मैं एज अ एक बेस्ट कैप्टन इन द फ्यूचर, ठीक है,
क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर जो है वो सरफराज अहमद जो विकेट कीपर है, हाँ, वो भी कैप्टन रहे हैं। उसने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, ठीक है, और आपने देखा वो क्या परफॉर्म था, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। बाबर आजम मैं उसे एज अ प्लेयर मानता हूँ, एज अ कैप्टन नहीं मानता, ठीक है। एज अ अफगानिस्तान की टीम मेरी नज़र में वो पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी है, उनकी बॉलिंग भी अच्छी हो गई है। हमारी बॉलिंग देखें, आज बॉलिंग आपने देखी थी हमारी? मैंने बॉलिंग देखी है, कैसी बॉलिंग, ठीक है, ये ऐसे लग रहे थे कि जैसे कोई गली मोहल्ले के बॉलर नहीं होते, ठीक है, उनको टीम में डाला हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इन लोगों ने इन द फ्यूचर यही काम करना है तो यार मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बंद कर दो, इससे अच्छा ये लोगों को चाहिए टेबल खेलने शुरू कर दें, टेबल खेलने शुरू कर दे। चले चल अच्छा, लास्ट में कोई देखने वाली आवाम को मैसेज देंगे? मैं ये लास्ट में आवाम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर और जो टीम सेलेक्टर हैं वो नाहिल हैं। इतनी गंदी स्क्वाड लेके हम गए, हम क्या कर रहे हैं? मेरी नज़र में भाई तीन प्लेयर जो इन्होंने ड्रॉप किए हैं, ठीक है, अमाद वसीम, बिल्कुल ठीक हो गया, अमाद वसीम एज अ एक बहुत बेस्ट ऑलराउंडर है, और मोहम्मद नवाज़, शदाब खान, मोहम्मद नवाज तो खेल रहे हैं, मोहम्मद नवाज खेल रहा है, वो एक एज अ ऑलराउंडर नहीं है, वो होता है तुक्का लग गया तो लग गया। आपने क्या, मैं बेस्ट प्लेयरों के नाम बता दूं, आपने नवाज को बताया, ये अमाद वसीम हो गया, ठीक है, सरफराज अहमद हो गया, वो बेशक वो नहीं परफॉर्म कर रहा, उसको खिलाओ। इंडिया की टीम जो है ना भाई, मैं जो भी मेरी ये व्यूज सुन रहे हैं, मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि इंडिया की टीम में जो खूबी है वो क्या है, वो अपने प्लेयर को ज़ाया नहीं करती। हमारे प्लेयर 2-3 मैच 4 मैच में नहीं चलता, उनको ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। इंडिया की टीम की एक वाहिद एक क्वालिटी है वरिंदर सहवाग एज अ बेस्ट प्लेयर, बिल्कुल ऐसे राहुल ड्रेवट एक क्लास था। सर आप चले, आपने बड़ी बात की, मुझे बताएं लास्ट में बात, रोहित शर्मा कैसा कैप्टन है? रोहित शर्मा एज अ ग्रेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड और एक बेस्ट परफॉर्मर कैप्टन। ओके सर, द फर्स्ट इंडियन कैप्टन मेरी नज़र में, एक ही कप्तान आया है उस जैसा ना आना है और ना कभी आएगा, उसका नाम था MS धोनी। अरे सर, ओके सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। MS धोनी भी अच्छा परफॉर्म करके मज़ा आ गया।